एमपी के छतरपुर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्स ने उसका अपहरण करने की कोशिश बताकर महल रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दो युवकों सहित एक युवती को थाने लेकर आई। पीड़ित नर्स का आरोप था कि बालाघाट निवासी इस युवक से उसकी 1 साल पहले शादी टूट गई थी, लेकिन युवक कार से उसका अपहरण करना चाह रहा था। जब पुलिस ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात कर पूछताछ की तो सारे राज उजागर हो गए। बालाघाट पुलिस ने युवक को नर्स के साथ तिलक के वीडियो और फोटोग्राफ दिखाए। तिलक के बाद दोनों के एक साथ रूम के भी फोटो पुलिस को दिए गए। एसपी ने बताया कि दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए जब दोनों ने अपनी बात पुलिस को बताई तो दोनों को थाने से छोड़ दिया गया। नीलम श्रीवास्तव, बताओ आपके साथ क्या घटना घटी, किस तरह का आवेदन दिया आपने, क्या है पूरा मामला? मैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। अभी मेरी रात्रि 8:05 में मैं ड्यूटी के लिए निकली थी, जो वही थोड़ी देर 5 मिनट बाद अमित भारद्वाज द्वारा, जो बालाघाट निवासी है जिससे मेरी शादी तय हुई थी 1 साल पहले, उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की। इस संबंध में मैंने लिखित में थाना प्रभारी को लिखा। कौन कौन थे इनके साथ में? इनके साथ एक और एक लड़का है और एक लड़की है। तो उन लोगों को जानते हैं आप? नहीं। उस अमित भारद्वाज को जानते हैं? हाँ, लड़की की बस फोटो बस देखी थी मैंने, लड़की को देखी नहीं। आपकी शादी तय हुई थी उससे, तो अब क्या हुआ, क्या टूट गई है शादी? हाँ, मैंने स्वयं तोड़ी थी। कब तोड़ दिया आपने शादी? 25 जनवरी 2023, 1 साल पहले तोड़ दी थी। हाँ। अब वो क्या चाह रहा था, क्या बात कर रहा था, आपको फोन करके बुलाया था, कैसे किया गया, तबाक से मुलाकात? फोन से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। हाँ, तो कैसे मुलाकात हुई आपकी, यहाँ पे कैसे पहुँच गया आपके पास? वो खुद से आया है बालाघाट से। नहीं, तो आप कहाँ जा रही थी, आप कहाँ से निकल रही थी? मैं ड्यूटी के लिए निकल रही थी, मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो रास्ते में मिल गया वो? चश्मा घर के पास मिला। अच्छा, अकस्मात उसने देख लिया? हाँ। तो किस तरह की बात करना चाहता था, क्या बोला वो? कुछ बात नहीं किया, पीछे से आके मेरा मुंह दबा दिया उसने और अंधेरे में लेके गया। तो क्या लगता है आपको, अब उसको बस कड़ी कार्रवाई किया जाएगा? क्या अपहरण करने का उद्देश्य था उसका, क्या था? हाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।